SRM टुडे शहर की आवाज। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार लगातार जारी है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा परशुराम सिसोदिया का भव्य स्वागत कर उन्हें केलों में तोला गया। विधानसभा चुनावों को लेकर मल्हारगढ़ विधानसभा से अपने विधायक पद की दावेदारी निभा रहे कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया का पालिया मारू में कांग्रेस द्वारा भव्य स्वागत व सम्मान कर उन्हें केलों में तोला गया और कांग्रेस द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर लोगों से किसान आंदोलन, व्यापार घोटाला और राफेल घोटाले आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस के हित में मतदान करने का अनुरोध किया गया। मल्हारगढ़ विधानसभा चुनाव चालू हो चुके हैं। विधानसभा की तैयारी को लेकर मैदान में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर परशुराम सिसोदिया को मैदान बात करते बताइए सर, किस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में बनी है और यहाँ के विधायक माननीय जगदीश देवड़ा जी विगत 10 वर्षों से यहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अगर आप क्षेत्र में जो प्राथमिकता होनी चाहिए किसान
किसान के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसान की बात की जा रही है, 2017 6 जून को यहाँ पर गोलीकांड हुआ था, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, किसानों को यहाँ पर गोली मारी गई थी, उनके मुद्दे भी आपके द्वारा यहाँ पर लिए जा रहे हैं, क्या लड़ रहा था और अपनी मांगों को लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भाई चौपाटी पर कर रहा था, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर सही समय पर शायद आज मेरे 6 अन्नदाता किसान शहीद नहीं होते। भाजपा के लोग बात कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री विधायक सांसद से लेकर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, कांग्रेस द्वारा इस तरीके से आंदोलन को उग्र बनवाया गया था, क्या मानते हैं आप, क्या आप जो आरोप लगाया जा रहा कहां तक सही है? जो किसान शहीद हुए हैं वो वास्तविक किसान थे, न कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता था। क्या मुद्दे रहेंगे, आप जीतते हैं यहाँ से तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जनता के बीच में हम जो वास्तविकता में देखा जाए तो मल्हारगढ़ विधान चाहिए था, किसानों की पहली प्राथमिकता है कि उनकी फसल अच्छी हो जाए, उनकी पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उन्होंने एक क्षेत्र में एक भी डैम नहीं बनाया, जो तालाब कांग्रेस की गवर्नमेंट में बने थे वही तालाब आज तक बने हुए हैं। इसमें यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर लगातार पालिया मारू में राज परशुराम सिसोदिया स्वागत सम्मान किया जा रहा है, यहाँ पर आज कांग्रेस जनों ने यहाँ पर उन लोगों को आज केले से भी तोला गया है। हम SRM टुडे के लिए बिपिन चौहान मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।